याद हुई है ना, वो इंसान की सोच की वजह से हुई है। जो इंसान सोचता नहीं वो कुछ नहीं कर सकता है। बहरहाल आपने सोचा, हम यहाँ तशरीफ ले आए और आपके साथ पूरा जहां यहाँ तशरीफ ले आया, तो लगता है अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की है और आपको ऑनर करने के लिए इतने लोगों को यहाँ पर जमा किया है। बहरहाल नीलम बाजार और अजला से, आसपास के जो गांवों से जो भी यंगस्टर्स, उनके पेरेंट्स, टीचर्स जो तशरीफ ले आए, मरहबा, वेलकम करता हूं मैं नीलम बाजार कॉलेज कैंपस और अजमल फाउंडेशन के जानिब से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोग यहां पर तशरीफ फरमा है। मुझे कहां से शुरू करना था पता नहीं, लड़के ने मेरी स्पीच को ही भुला दिया है। बहरहाल हम जहां खड़े होते हैं वहीं से एक सोच शुरू होती है, फिर वहीं से हम आपको मंजिल तक ले जाते हैं। तो मंजिल पर एक जबरदस्त अशार याद आए हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। हर इंसान को मंजिल चाहिए और शायर कहता है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। यानी दरिये में अपनी जिंदगी नहीं गुजारना है आपने, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। ये शीशा दे कोई मुझे, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। समझ आ रही है बात आपको? हर शीशा, मौलाना सुने गौर से जी, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। यानी इम्पॉसिबल चीज करने की बात हो रही है यहां पर। यूजुअली होता क्या कि पत्थर से शीशे टूट जाते हैं, लेकिन पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इंसान की सोच, इंसान का विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। सजदे हम सब लोग करते हैं, नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, और बड़े अरसे से हम लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं, और शायर कहता है कि सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। यानी बहुत वक्त गुजर गया, डेकेड्स गुजर गए, सेंचुरीज गुजर गए, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। यानी ऐसा सजदा कर, ऐसा मांग अल्लाह से कि तेरी दुनिया ही बदल जाए। हम नमाज भी पढ़ते हैं तो ऐसी नमाज पढ़ते हैं जैसे एक रॉबर्ट नमाज पढ़ रहा है। कोई जोश नहीं उसमें, कोई जज्बात नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई नीयत नहीं, फॉर द सेक ऑफ डूइंग बस नमाज पढ़ते हैं। करे सवार ऊंट पे, ऊंट पर सवार, करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, गुलाम को ऊंट पर बिठाकर, गुलाम यानी स्लेव, करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। तो माशाल्लाह वो पैदल, मैं मौलाना को देखता हूं आसाम के चप्पे चप्पे पर आप चल रहे हैं, जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक चीज आप लोग के इल्म में मैं ले आकर फिर मेरी तकरीर शुरू करना चाहता हूं। आप लोग यस और नो में मुझे जवाब दें। हर इंसान को पैसा चाहिए, यस और नो? अगर कोई बंदा कुछ करता है तो उसके पीछे लोग इंटेंशन तलाश करने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा पैसे के लिए करना चाह रहा है। आप लोग के इल्म में मैं ले आना चाहता हूं कि 1970s में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के अब्बा हुजूर वालिद साहब ने बॉम्बे का, मैंने घर देखा, समंदर के ऊपर घर है, जो आज शाहरुख खान, सलमान खान के अलावा दूसरे हीरोज खरीदने 20-20 साल मेहनत करना पड़ता है उनको। सब हीरोज नहीं खरीद सकते, सब हीरोइंस भी सी फेसिंग वाला घर नहीं खरीद सकते हैं। तो वो जो सी फेसिंग वाला घर आपके अब्बा हुजूर ने 1970s में खरीदा, तो क्या ऐसे इंसान को पैसों की जरूरत है? जवाब दे जोर से आप लोग। जिस बंदे का बिजनेस 40 कंट्रीज में हो, क्या उसको और पैसों की जरूरत है? क्यों घर घर भटकते हुए, गली गली में जाते हुए लोगों से मिलना, लोगों से बात करना? क्योंकि कुछ लोगों को अल्लाह चुनता है। मानो कि यहां की कौम को अल्लाह ने आबाद करना है, कामयाब करना है,
आपने दुआ नहीं की होगी अपने मुस्तकबिल को लेकर, अपने करियर को लेकर, लेकिन क्या पता आपके वालिदैन ने कभी तो किया होगा दुआ। रमजान के रोजे रखकर तहज्जुद में, रातों में, तन्हाइयों में, अकेले में गिड़गिड़ाते हुए आपके दादा, आपके दादी, आपके नाना, आपके नानी कई दफा दुआ किए होंगे, और इनमें से कई ऐसे भी यंगस्टर्स होंगे, आप लोग भी अपने करियर को लेकर अल्लाह से दुआ किए हैं। तो फिर अल्लाह करता क्या है, मुझे डॉक्टर बना दे तो सीधे स्टेटस को फेंकता है आपके घर अल्लाह, मुझे इंजीनियर बना दे तो सीधे मशीन आ जाते हैं आपके घर, मुझे साइंटिस्ट बना दे तो एप्रन आ जाता है और साइंटिस्ट बन जाते हैं। नहीं, तो अल्लाह सुबहान व तआला क्या करता है कि एक बंदे को चुनता है, ये अल्लाह का निजाम है। दुनिया जब अल्लाह ने बनाया और दुनिया को बसाना था अल्लाह को, और जानवरों से हजार हजार गुना बेहतर, बल्कि मिलियन टाइम्स बेहतर दुनिया वालों को सिखाना था कि दुनिया कैसी जी जाती है, तो अल्लाह ने क्या किया, प्रॉफिट्स को भेजा है, 1,24,000 प्रॉफिट्स को भेजा है। ये अल्लाह का तरीका है इंसानों को आबाद करने का, इंसानों को कामयाब करने का, इंसानों को रास्ता दिखाने का, इंसानों को गुनाह से बचाने का। ये अल्लाह का एक निजाम होता है, एक तरीका होता है, प्रोसीजर। अब यहां आसाम के छोटे छोटे गांव में जिनके वालिदैन, जो बच्चियां, जो बच्चे कभी जिंदगी में तसव्वुर भी नहीं किए होंगे कि हमने इंजीनियर बनना है, हमने डॉक्टर बनना है, हमने IAS बनना है, हमने IPS बनना है, इतना बड़ी सोच नहीं रखते हैं लोग, डरते हैं, हैबत होती है उनको बड़ी सोच, इसलिए कि उनके पास कुछ नहीं होता है, ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना है, ना पहनने के लिए कपड़ा है। जब इंसान के पास रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं है तो इंसान बड़ा कहां सोचता है, मिलियंस और बिलियंस में कोई एक इंसान सोच लेता है, अदरवाइज 99.99% दे गिव अप, सोचते नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में अल्लाह सुबहान व तआला किसी एक बंदे को चुनता है, जैसे आदम अलैह सलाम से लेकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 प्रॉफिट्स को चुना, उसी तरह आसाम के लिए अल्लाह ने अगर किसी को चुना है एजुकेशन फील्ड में, तो वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को चुना है। अगर कोई पॉलिटिशियन एजुकेशन में काम नहीं करता है तो सबसे पहले उसके पार्टी के लोग, खुद के पार्टी के लोग और अपोजिशन से एक शिकायत आती है कि क्या इसने क्या एजुकेशन में कुछ किया है, ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अगर कोई बंदा 20-20 साल से MLA है, 20-20 साल से MP है और उसने एजुकेशन में कुछ नहीं किया, तो आवाज उठती है कि नहीं उठती है कि इसने एजुकेशन के लिए क्या किया है इसने। क्या ये आवाज मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के खिलाफ कोई आसामीज बंदा उठा सकता है आवाज? दुश्मन भी नहीं उठा सकता है। क्यों ने आप क्यों? क्योंकि आपने काम करके दिखाया है। 2017 में पहली दफा में जब आया, एक बिल्कुल झोपड़ी की तरह छोटी क्लासरूम थी, वहां पर कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। मैं विजिट किया करता था स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्टल्स, खसरुल इस्लाम साहब के साथ, डॉक्टर आजाद साहब के साथ, रात में 12 बजे 2 बजे तक मोटिवेट किया करता था। तो मैंने पूछा कि ये छोटे से कमरे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये कौन है? तो डॉक्टर खसरुल सर ने कहा कि सर ये अजमल सुपर 40 है। अब देखें 40 से पहले जो वर्ड है सुपर, ये एडजेक्टिव है। और मैंने सोचा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इनके पास में, और अजीब से कमरे में बिठाए हैं और इनको डॉक्टर बनाने के लिए चले हैं। मेरे दिल में ये ख्याल था वल्लाही, पहला ख्याल 2017 में, और 2023 में 350 बच्चे रैंक ले आकर प्रूफ किए हैं। 5 साल में 350 बच्चे ले आना आसान चीज नहीं है। कुछ कर्नाटका में, कुछ हैदराबाद में बड़े रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां मैंने मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को बुलाया था। आप ये जो अजमल सुपर 40 चला रहे हो, दिस इज नॉट द राइट वे, यू बेटर कम टू हैदराबाद, पे अ विजिट टू अ फ्यू इंस्टीट्यूशंस, यू गेट टू नो हाउ द ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। तो जो बंदा देना चाहता है ना, वो हमेशा भूखा रहता है। इमीडिएटली हैदराबाद आए और इतना इंप्रेस्ड हुए वहां के इंस्टीट्यूट्स को देखकर जो नीट JEE में काम कर रहे हैं। वेरी नेक्स्ट डे डॉक्टर खसरुल इस्लाम साहब को कॉल किए
और बताए कि आपके तमाम प्रिंसिपल्स को लेकर हैदराबाद आ जाइए। और वो हैदराबाद आए, वहां के सिस्टम को देखा आपने, सिस्टम को देखकर सीधे इंप्लीमेंट करना शुरू किया। 5 साल में 850 बच्चे एप्रन पहने हैं, माशाल्लाह, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। इट्स नॉट दैट इजी, आसान नहीं होता है। खानदान खानदान गुजर जाते हैं, कोई एक डॉक्टर नहीं निकलता है। देखें आप लोग खानदान में तलाश करें, आपके खानदान में कोई डॉक्टर है क्या? नहीं मिलते हैं। लेकिन मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, घर घर इंशाल्लाह डॉक्टर्स होंगे। अगर आप लोग ठान लें कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे मेहनत करनी है, तो हर घर से एक इंजीनियर निकलेगा, हर घर से एक साइंटिस्ट निकलेगा, हर घर से एक डॉक्टर निकलेगा। और माशाल्लाह मेरा जो मोटिवेशन का काम है, बनारस से सर आकर आधा काम तो उन्होंने ही किया, आप लोग को बड़ा जबरदस्त मोटिवेट किया। मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूं कि मेरे से पहले ही आपके सीनों में सर ने जोश डाल दिया। अब तो माशाल्लाह आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी आसाम से निकलेंगे। आप इमेजिन करें कि 10 साल पहले आसाम के बच्चियां, आसाम के बच्चे क्या एजुकेशन को लेकर बड़े ख्वाब देखा करते थे? बिल्कुल भी नहीं देखा करते थे। 10th पढ़ाई कर ली, बिलखुसूस इफ आई टॉक अबाउट गर्ल्स, 10th 12th के बाद उनकी शादी होती, किचन में जाते और रोटी चावल बनाकर जिंदगी गुजर जाती उनके। लेकिन आज बच्चियों के हाथ में एप्रन दिया जा रहा है, स्टेथोस्कोप दिया जा रहा है, स्पिग्नानोमीटर दिया जा रहा है, बच्चियों को एडवोकेट बनाया जा रहा है, मैजिस्ट्रेट बनाया जा रहा है, आईएएस ऑफिसर्स बनाया जा रहा है। ये आसान हुआ कब? जब अजमल फाउंडेशन ने ये इरादा किया है कि मुझे जिंदगी पूरी आसाम के यंगस्टर्स के लिए सर्व करना है। इतनी मेहनत अगर ये पॉलिटिक्स में कर लेते तो न जाने कितने और मजीद एमएलएज होते और मजीद एमपीज होते हैं। लेकिन आप लोग का बहुत सा वक्त मैं देख रहा हूं एजुकेशन पर सर्व किया जा रहा है, तभी तो जाकर हजारों हजारों डॉक्टर्स बन रहे हैं। मेरे साथ मेरे उस्ताद डॉक्टर रफीक साहब आए थे, वो 4 मेडिकल कॉलेजेस के चीफ एडवाइजर एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए 12 साल काम किए थे। वो जब आए तो आसाम पर स्टडी किए, रिसर्च किए और रिपोर्ट दिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को कि आपका जो आसाम है ना स्टेट, ये पूरा आसाम मिलकर 800 बंदों को डॉक्टर बनाता है। अभी शायद 1200-1500 बन रहे होंगे, लेकिन वे बैक इन 2017 व्हेन ही डिड रिसर्च, आपने बताया कि पूरा आसाम मिलकर 800 बंदों को डॉक्टर बना रहा है, आप 700 को। आप हैदराबाद आइए, 2 माइनॉरिटी कॉलेजेस मिलकर 550 डॉक्टर्स बना रहे हैं। ये बात मौलाना के दिल में उतरी और इतना मेहनत करवाए अजमल के टीचर से, डॉक्टर खुसरुल इस्लाम साहब से और अजमल सुपर 40 के विराट कोहली, खदीर सर पता नहीं आज है या नहीं है, यहाँ पर है, खड़े हो जाए भाई। हमारे विराट कोहली एक क्रिकेटर ही नहीं होता है भाई, अजमल सुपर 40 का भी विराट कोहली है। ये लोगों से जब जुड़े हैं, मिले हैं, मोटिवेट किए हैं, आप देखे 1 साल में 350, पूरा आसाम मिलकर 700 और 1 साल में एक ही इदारा, एक ही इंस्टीट्यूट से 350 डॉक्टर्स आना, इज इट नॉट लेस देन अ मिरेकल? बताएं ये क्या मिरेकल नहीं है? इट्स अ वंडर, माशाल्लाह। ये आसान चीज नहीं है, एक स्कूल नहीं चला सकते आप। स्कूल एस्टेब्लिश कर स्कूल चलाने वालों से जाकर आप पूछें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जिंदगियां गुजर जाती हैं, कोई एक अच्छा रिजल्ट नहीं आता वहां से। इतने चैलेंजेस होते हैं स्कूल चलाना, कॉलेज चलाना। लेकिन यहां मैंने बहुत से बच्चियों से बात किया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वर्कशॉप्स कंडक्ट करता हूं अजमल फाउंडेशन में, तो वो जो गरीब घर के जो बच्चियां आती हैं, वो बच्चियां बताती हैं कि उनके जिंदगी में मरियम जो कॉलेज है वो क्या माना रखता है लड़कियों के लिए। वो कहती हैं कि सर हमारे लिए मरियम ऑक्सफोर्ड से कम नहीं है, हम ऑक्सफोर्ड तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए मरियम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। कई बच्चियां तो सिर्फ मरियम को देखकर वापस घर आ जाना चाहती हैं। पढ़ना तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन एक दफा अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से मरियम कॉलेज को देखना चाहते हैं। आज ये पॉसिबल हुआ है, अजमल फाउंडेशन ने एक ख्वाब देखा कि अजमल फॉर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। इससे बेहतरीन स्लोगन मैं हिंदुस्तान के कोई इदारे में नहीं देखा, इससे बेहतरीन इंस्पायरिंग
जबरदस्त स्लोगन मैंने नहीं देखा, आप देखिए कि अजमल फॉर एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर ऑल, यानी हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर कितने यतीम बच्चों को मैंने पढ़ाया फ्री में, जो अजमल फाउंडेशन पढ़ाता है, AMRS अजमल मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल, जिसमें बॉयज का अलग सेक्शन है, गर्ल्स का अलग सेक्शन है। ऐसे गरीब गरीब घरों के बच्चे आए और 40 दिन में जबरदस्त इंग्लिश सीखे हैं मेरा वर्कशॉप अटेंड करके। अब वही बच्चों को नीट की ट्रेनिंग दी जा रही है, JEE की ट्रेनिंग दी जा रही है, कुछ बच्चों को लॉ में लेकर जाएगा। जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं, आपको मदद नहीं आने वाली है। याद रखना, आपने कई उलामा हजरात कई स्कॉलर से सुना होगा कि कर मेहनत खा नियामत, यानी मेहनत करने पर नियामत मिलती है, घर बैठे आपको नियामत नहीं मिलने वाली अल्लाह के। आपने कदम बढ़ाना है, आप एक कदम बढ़ाओगे तो अल्लाह 10 कदम बढ़ाएगा। आज हम कदम ही नहीं बढ़ा रहे, सिर्फ घर में बैठे रहते हैं और जिंदगी गुजर जाती है हमारी और कुछ अचीव नहीं करते हैं। यहाँ जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, मैं आपको आज वो चीज बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से आप अपने ख्वाब पूरा नहीं कर सकते हैं। आपके दिलों में इरादे तो हैं, उमंगे तो हैं, ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, मिशन भी है, विजन भी है, एम्बिशन भी है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू अकॉम्प्लिश योर ड्रीम्स। आपके ख्वाब जरूर हैं, लेकिन आप अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पा रहे हैं। उसके क्या रीजंस हैं? कभी आप खुद अकेले इन सॉलिट्यूड तन्हाई में बैठकर पेन पेपर ले और रीजंस लिखें कि क्या पहले मुझे ड्रीम है कि नहीं है, क्या मैं कामयाब होना चाहता हूँ कि नहीं होना चाहता हूँ। जवाब अगर आता है कि हाँ मैं कामयाब होना चाहता हूँ, क्योंकि देखें लोग अजीब अजीब किस्म के होते हैं। एक किस्म के लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, दूसरे किस्म के जो लोग होते हैं कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, तीसरे जो लोग होते हैं कुछ नहीं करते हैं, और चौथे जो किस्म के लोग होते हैं कुछ करना ही नहीं चाहते। मैंने 4 किस्म के लोग के बारे में बात की है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं माइक लेकर आपके पास आकर अभी पूछ लूं कि ये 4 कौन से किस्म हैं, आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वो फोकस्ड होकर सुन ही नहीं रहे हैं मुझे। क्लासरूम में बच्चे ऐसे ही बैठते हैं, फिजिकली प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैंने पहला किस्म कहा कि कुछ करना चाहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है, और दूसरी जो कैटेगरी है बहुत कुछ करना चाहते हैं, तीसरी जो कैटेगरी है कुछ नहीं करते हैं, चौथी जो कैटेगरी है वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, यानी उनका इंटेंशन ही नहीं है। अब जो 5वीं कैटेगरी के भी है वो कौन है? जो कुछ करते हैं या कुछ करना चाहते हैं या बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनकी टांग पकड़कर खींचते हैं, वो ये 5वीं कैटेगरी के लोग हैं। ये बड़े डेंजर लोग होते हैं सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए भी। ना खुद करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि डॉग इन द मैंगर, MANGER, डॉग इन द मैंगर, मतलब ना वो फायदा उठाता है खुद ना दूसरों को उठाने देता है, ना खुद करता है सोसाइटी के लिए कुछ ना दूसरों को करने देता है। जब कोई बंदा कदम आगे बढ़ाकर कुछ काम करना चाहता है सोसाइटी के लिए, उसके पीछे लोग लग जाते हैं टांग पकड़कर खींचने के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए पूरे भारत देश में ऐसे भी लोग हैं बहुत। उन लोगों को मैं सवाल करता हूं तो फिर आप क्रिटिसाइज जो करते हो ना, फिर आप जिन पर भी आप उंगली उठाते हैं उनसे 10 गुना अच्छा करके आप दिखाओ, मिसाल बनो। मैं सिर्फ अजमल फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी इदारे पर आपकी उंगली उठती है, उंगली उठाना आज बहुत आसान है लेकिन मेहनत करना, काम करना बहुत टफ है। आप कर दिखे, आपको पता चलेगा एक दिन नहीं कर पाओगे आप, एक महीना, एक साल, 10 साल 20 साल तो बहुत दूर की बात, एक दिन 24 घंटे नहीं कर पाएंगे, लेकिन बैठकर उंगली उठाना, क्रिटिसाइज करना ये कितना आसान है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं क्रिटिसिज्म भी बहुत अच्छी चीज है। ये क्रिटिसिज्म की वजह से लोगों को एक चैलेंज मिलता है, सोया हुआ इंसान जागता है। अगर मुझे कोई क्रिटिसाइज कर दे तो मैं पूरी रात बेचैन रहूंगा कि मुझे और कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो जो विजनरी लोग होते हैं वो क्रिटिसिज्म को भी गले लगाते हैं,
और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप सबसे बात कर रहा था, यहां सबके ड्रीम्स नहीं होंगे जो लड़कियां लड़के बैठे हैं, लेकिन जिनके भी ड्रीम्स हैं, जिनके भी डिजायर्स हैं, वो सवाल कर लें कि आप क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे लाइफ में। आप 5 रीजंस लिखें कि ऐसे कौन से 5 चीजें हैं जिसकी वजह से आप अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पा रहे हो। वो 5 चीजें अगर आप लिखोगे तो आप नंबर 1 पर क्या रखोगे, नंबर 2 पर क्या रखोगे, नंबर 3 पर क्या रखोगे, नंबर 4 पर क्या रखोगे, नंबर 5 पर क्या रखोगे। मैं आपको एक 30 सेकंड देता हूं, अभी आप सोचना शुरू तो कर ले कि क्या ऐसी 5 चीजें हैं जिसकी वजह से यूथ अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पा रहा है। जो सबसे पहली चीज, बल्कि मैं ये जो 5 चीजें हैं ना, इसको मैं बीमारियां कहता हूं, डिजीज कहता हूं। अगर किसी के घर में कैंसर न्यूज आ जाए कि इस बंदे के माँ को, वालिद को, बेटे को, बीवी को, शहर को कैंसर है, तो पूरा घर कब्रिस्तान हो जाएगा। खुशी खुशी से चलने वाला घर अचानक एक सेकंड में मातम सा छा जाएगा पूरे घर में, क्योंकि कैंसर इज रिगार्डेड वेरी डेंजरस डिजीज। लेकिन आज डॉक्टरों की मेहनत से कैंसर भी आसान होने लगा है, इलाज पॉसिबल है। बड़ी मिसाल आप लोग के सामने है, एक क्रिकेटर है जो कैंसर से गुजरा है, लेकिन अभी ठीक होकर क्रिकेट अभी भी खेल रहा है। क्या नाम है? युवराज सिंह। आपको कैंसर था, कैंसर की बीमारी में उसने वर्ल्ड कप भी खेला और इतना जबरदस्त खेला, उसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन था 2011 में वर्ल्ड कप जीतने का। तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी, इसकी दवा तैयार है, अगर सही वक्त पर उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट अगर होता है तो ऐसे खतरनाक बीमारियों से भी लोग बच सकते हैं। लेकिन मैं जो बीमारी की बात कर रहा हूं, इसकी कोई दवा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस एक ही चीज है, तबाही तबाही तबाही, बर्बादी बर्बादी बर्बादी। जो सबसे पहली बीमारी है, आज 10 में 9 यंगस्टर्स को यह बीमारी है, 10 में 9 यंगस्टर्स को यह बीमारी है। उस बीमारी का नाम है मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन, हर बंदे को आज मोबाइल पसंद है। कोई बंदा कभी मोबाइल गुस्से में फेंक देता है, सवाल ही नहीं है, दिल के अजीज है। मां को फेंक देंगे, बाप को फेंक देंगे, लेकिन मोबाइल से दूर कोई नहीं होना चाहता है। मैंने न जाने कितने स्टोरीज पढ़े हैं, मेरी कानों से सुने हैं, मेरे वर्कशॉप में वालिदैन आकर रोते हुए बताए हैं। एक माँ आकर मुझसे कह रही है कि मेरे हस्बैंड सऊदी अरेबिया में रहते हैं, मेरी बेटी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, 13 साल की है, सऊदी अरेबिया में उसकी जिंदगी गुजरी है, 1 साल हुआ है हम लोग यहां पर आ गए, वहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई हो गया, वहां हम रह नहीं पा रहे, तो हम सब इंडिया आ गए और हस्बैंड सिर्फ सऊदी अरेबिया में, पहले फैमिली के साथ रहा करते थे। तो मेरी बेटी की तरबियत करने की मैं भरपूर कोशिश करती हूं, सर मैंने इसको फोन से दूर रखने की कोशिश की है, लेकिन इसका इरिटेशन, इसका गुस्सा इतना बढ़ गया है, एक दिन मेरे सीने पर बैठकर मुझे इतना मारा, मेरी गर्दन टूट गई है। ये कौन बोल रही है? ये मां कह रही है। बच्ची थोड़ी मोटी ताजी थी, मां के सीने पे बैठकर गर्दन को तोड़ दी है, ऐसे गर्दन लेकर मां मेरे पास आई है, रोते हुए कह रही है मेरी बच्ची को ठीक कर दे। वहां भी उस मां को उस बच्ची के मुस्तकबिल की फिक्र है। कितने केयरिंग, कितने कंसर्न होते हैं पेरेंट्स, देखें। केरला में एक लड़का है, उसके वालिद भी सऊदी अरेबिया में रहते हैं, उसकी मां ने बच्चे को मना किया कि तू जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता अगर फोन के साथ तूने दोस्ती कर ली। और वो लड़का 9th स्टैंडर्ड का कुछ था, 24 घंटे में 18 घंटे वो पबजी खेला करता था, 18 आवर्स। एक दिन मां ने बहुत डांटा, बहुत मारा, तो सोती हुई मां को देखकर गला घोट के मां का कत्ल कर दिया उसने। अब आप अंदाजा लगाए कि आज के नौजवान मोबाइल के लिए, आफ्टर ऑल मोबाइल के लिए मां का कत्ल कर रहे हैं, मां की गर्दन तोड़ रहे हैं, वो क्या सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या शादी करके क्या वो अपने बीवी से मोहब्बत कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकते हैं?
मैं पूरे गारंटी से कहता हूं कि वो अपनी फैमिली को कभी खुशी नहीं दे सकता जो मां का कत्ल करता हो, जो बाप को गाली देता हो। आज 10 में 9 बंदे फोन एडिक्टेड हैं। यहां अगर मैं आपके दिल से पूछूं, हर लड़कियां हर लड़का यही बोलेगा, हां सर ये बीमारी मुझ में है। आप ईमान से मुझे बताएं, फोन एडिक्शन, फोन यूज करना आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है तो हाथ ऊपर करें, सच बोलें, झूठ ना बोलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता है। आप सच बोले मौलाना के सामने हाथ उठाकर, फोन इस्तेमाल करना अच्छा लगता है आपको? ये बीमारी है, ये कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है, और ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो आपको यूजलेस बना देती है, निकम्मा बना देती है। दिमाग जो अल्लाह ने दिया ना, इसकी वजह से इंसान को अल्लाह ने अशरफ कहा। वरना हाथी का भी दिमाग है, शेर का भी दिमाग है, कुत्ते का भी दिमाग है, गधे का भी दिमाग है, लेकिन सबको अल्लाह ने आला नहीं कहा, बेहतरीन नहीं कहा। आला, बेहतरीन, सुप्रीम, अशरफ अल्लाह ने किसको कहा? सिर्फ इंसान को कहा। क्योंकि जानवर को जो अल्लाह ने दिमाग दिया ना, उसमें सोचने की सलाहियत बहुत महदूद है, कुछ करने की सलाहियत नहीं है, लिमिटेड है। लेकिन इंसान का जो दिमाग है, अल्लाह ने इसको लॉक नहीं किया। जितना मेहनत इंसान करता है उतना एक्सपेंड होता जाता है। मैं किसी एक बंदे से सुना था, 5 लाख टीवी, आप लोग के पास पेन ड्राइव होता है, पता है आपको? पेन ड्राइव 16 GB का होता है, 32 GB का होता है, इस तरह से हार्ड ड्राइव होता है, पता है आपको? हार्ड ड्राइव 1 TB, 2 TB, इस तरह से 5 लाख टीवी, कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं 5 लाख टीवी में? उतना एक इंसान के दिमाग में इंसान डाटा स्टोर कर सकता है। क्या इतना डाटा स्टोर है हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं है। हम तो वक्त ही नहीं निकालते हैं। बड़े बड़े जो इन्वेंशन हुए इस दुनिया में, जो आइंस्टीन वगैरह, रिसर्चर्स कहते हैं कि ऐसे जो साइंटिस्ट है जो वंडर्स किए इस दुनिया में थ्रू देयर इन्वेंशन, वो सिर्फ 2% अपना दिमाग यूज किए हैं, सिर्फ 2%। अब जब आइंस्टीन जैसा बंदा 3%, 4% यूज कर रहा है, तो हम अपना दिमाग कितना यूज कर रहे हैं? हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। और फिर हम ख्वाब देखते हैं कि हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगलो होना चाहिए, अच्छी जिंदगी होनी चाहिए, ये तो सब ख्वाब देखते हैं। लेकिन जब ख्वाब पूरा नहीं होता है ना, तो इंसान डिप्रेशन में चला जा रहा है। आज देखें 10 में 5 यंगस्टर्स डिप्रेशन में है। क्यों? उनके एक्सपेक्टेशंस हैं और वो फुलफिल नहीं हो रहा है। पहले ख्वाब सब नहीं देखा करते थे, अमीर घराने के बच्चे ही बड़े ख्वाब देखते थे। आज रिक्शा चलाने वाला बच्चा भी आईफोन चाहता है, जीन्स चाहता है, ब्रांडेड टी शर्ट चाहता है, गॉगल्स चाहता है, हर चीज चाहता है वो। भले मिले ना मिले ये सेकेंडरी मैटर, लेकिन उसको वो चाहिए, वो सोच है, वो सोच रखता है। और वो जो चीज नहीं मिलती है ना, वो इंसान को डिप्रेशन में डाल देती है। तो आज बीमारियों से जूझ रहा है यंगस्टर्स, बिलखुसूस बॉयज एंड गर्ल्स के लिए मैं कह रहा हूं, और ये सच बात कह के जा रहा हूं आपके सामने में। ये बीमारियां हैं जो दिख नहीं रही है आपको, जो आपके करियर को तबाह कर देगी, जिंदगी को बर्बाद कर देगी। कहीं के नहीं रहेंगे आप लोग, शादी होगी, बच्चे होंगे, रेंटेड हाउस पर रहेंगे, बमुश्किल 15-20 हजार रुपए आप लोग कमाएंगे, 25 हजार मोस्टली कमाएंगे। घर नहीं चलेगा भाई 25 हजार में। आज 1 लाख कोई कमाता है, मेरे नजदीक वो गरीब इंसान है। अगर कोई 1 लाख आज के दौर में कमा रहा है, मुनव्वर जमा के नजदीक वो गरीब इंसान है। क्यों? इतनी महंगाई हो गई है। अब आप 20-25 हजार कमाने वाले, कितना टफ लाइफ हो रही होगी उनकी। क्यों? उन्होंने अपनी माजी में अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया। अगर आपका करियर तबाह हुआ है, उसके होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। आप जब क्लास में थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, अल्लाह ने आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज कामयाब होने की दी, लेकिन आपने अवेल नहीं किया। आपने दुआ की, आपके वालिदैन ने दुआ की है कि सर हम कामयाब होना चाहते हैं। अब आप बोलते तो जरूर हैं, लेकिन मेहनत ही नहीं करते हैं। जब आपने दुआ की है अल्लाह से, तो अल्लाह प्लेटफॉर्म देगा आपको, आपको स्कूल ले आकर एडमिशन करवाएगा, कॉलेज ले आकर एडमिशन करवाएगा। अब जब अल्लाह सुभान व तआला के डिसीजंस देखें, आपने सुना होगा एक स्टेटमेंट कि अल्लाह के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। हाथ उठाए, कितने लोगों ने सुना है ये? अल्लाह के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ये किसके हुक्म से जा रहे हो?
ये अल्लाह के हुक्म से जा रहे हो, वरना ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके हाथों में आज बेगिंग बॉल्स हैं, जो भीख मांगते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके हाथों में आज ब्रूम स्टिक से झाड़ू है, वो रोड झाड़ रहे हैं, घर साफ कर रहे हैं, दूसरों के घर जाकर बर्तन धो रहे हैं। लेकिन आपको अल्लाह ने आपके हाथों में किताबें थामी है, पेन थामा है अल्लाह ने। क्यों? आपको कामयाब करना चाहता है अल्लाह ने, तो अल्लाह ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया। अब उसके बाद जो मेहनत करनी है वो आपने करनी है। अल्लाह एक चीज एक प्रोसेस कर छोड़ देता है आपको, यहां लाकर छोड़ता है, यहां से तूने मेहनत करना है, यहां से तूने अपनी जिंदगी को संवारना है। जो मेहनत करते हैं वही अपनी जिंदगी को संवारते हैं, जो बैठे रहते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। जो सबसे पहली बीमारी है वो है मोबाइल एडिक्शन। इस मोबाइल एडिक्शन की वजह से 70% टैलेंटेड बच्चे, 70% टैलेंटेड बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, एमलेस बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एम्बिशियस बच्चों की बात कर रहा हूं। उनके ड्रीम्स हैं, एम्बिशन है, स्टूडियस है, स्मार्ट है, टैलेंटेड है, लेकिन मोबाइल में जिंदगी गुजर रही है। इसकी वजह से अपने एकेडमिक्स में वो लोग वंडर्स नहीं कर पाए, हालांकि उनमें वो पूरी कैपेबिलिटी है, वो पूरी एबिलिटी है जो एकेडमिक्स में वंडर्स करें। अल्लाह ने ये सलाहियतों से नवाजा है उस बंदों को, लेकिन वो बंदे वक्त नहीं निकालते हैं तालीम पर, पढ़ाई पर। क्यों? पूरी जिंदगी फोन पर गुजर रही है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग इस बीमारी से बचें, इस मोबाइल एडिक्शन से बचें। और इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, पेरेंट्स को नजर रखना होता है बच्चों पर कि बच्चे कितनी देर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या देख रहे हो। अच्छी चीज देखने की तलाश में 99 बुरी चीज देख लेते हैं हम फोन में। हम कहते हैं पेरेंट्स को कि मुझे ऑनलाइन ये कोर्स करना है, मुझे गूगल पर ये रिसर्च करना है, ये स्टडी करना है। अच्छी चीज की तलाश में, एक अच्छी चीज की तलाश में 99 बुरे चीजें हम देख लेते हैं, यानी 99 मिनट्स हम वेस्ट कर बैठते हैं। इसीलिए यंगस्टर्स, अगर आप लोग के ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, याद रखें आपने कुर्बानी देना है। बिना कुर्बानी इस दुनिया में किसी को कामयाबी नहीं मिली है। अगर ये भारत देश को भी आजादी मिली है तो कुर्बानियों की वजह से, अपनी जान की कुर्बानी दी है, अपने माल की कुर्बानी दी है, अपने वक्त की कुर्बानी दी है, अपने घर वालों की कुर्बानी दी है, अपने खुशियों की कुर्बानी दी है, तब जाकर देश को आजादी मिली है। बिना कुर्बानी कभी किसी को कामयाबी मैसर नहीं होती है, याद रखे। तो आपने अगर कुछ बड़ा करना है अपने जिंदगी में, कुछ बहुत बड़ा करके अपना नाम रोशन करना है, तो आपने कुर्बानी देना है। और उस कुर्बानी का नाम क्या है? सबसे पहले किस चीज की कुर्बानी देना है आपने? मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा आपको, वाकई अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। आप देखें, हैदराबाद का एक लड़का माइक्रोसॉफ्ट में जाकर आज सीईओ के तौर पर काम कर रहा है, जिसका नाम है सत्या नडेला। वो आप ही की तरह स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करता था, हैदराबाद पब्लिक स्कूल का लड़का है। उसकी सैलरी पता है आपको एनुअल पैकेज क्या है? 500 करोड़ कमाता है। कितना भाई? 500 करोड़। यहां आकर एक एक से पूछो कि 500 करोड़ में कितने जीरोस होते हैं, 90% बंदे तो बोल ही नहीं सकते कि 500 करोड़ में जीरोस कितने होते हैं, कितने डिजिट नंबर है 500 करोड़। इंसान की सोच ही नहीं है वहां तक। वो भी तो बंदा कॉलेज में आप ही की तरह बैठता था क्लासरूम में, लेकिन आज कहां बैठा हुआ है? आज अमेरिका में बैठा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स की कुर्सी पर बैठा हुआ है। बिल गेट्स को लगा कि मुझसे ज्यादा टैलेंट इस नौजवान में है, मैं जहां तक माइक्रोसॉफ्ट को नहीं लेकर जा सकता हूं, ये नौजवान भारत का ये बंदा लेकर जा सकता है। लिहाजा मैं कुर्बानी देता हूं मेरी कुर्सी की, और मेरे कुर्सी पर इसको बिठाता हूं। ये लोग टैलेंट को सलाम करते हैं, इसीलिए दुनिया के लीडर्स हैं ये लोग। हम लोग कुर्सी पर बैठ गए तो फेविकॉल का रिश्ता लगाते हैं, या तो वो इदारा मर जाए या वो खुद मर जाए, जब तक कुर्सी नहीं जाएगी। लेकिन आप देखिए वहां 500 करोड़ सैलरी मिल रही है उसको। अब मैं बात करूं गूगल, जिसके बिना जिंदगी अधूरी। आज सब लोग डिपेंडेंट है गूगल पर। और सुंदर पिचाई सीईओ है, 1000 CR पैकेज है इस बंदे का, तमिलनाडु से है, 1000 CR पैकेज है। उसने ऐसा क्या पढ़ाई की होगी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में? उसने अपने खुशियों का, यानी कुर्बानी दी है अपने खुशियों को, अपने दोस्तों को छोड़ दिया, अपने घर वालों को छोड़ दिया, अपने खुशियों को कुर्बानी दी है,
और उसने आईटी में ऐसी जबरदस्त तालीम हासिल की है, आज जाकर गूगल का सीईओ बंदा बना है। 1000 सीआर इसका पैकेज है और हम लोग के ड्रीम्स 10,000, 20,000, 25,000 सैलरी मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं। क्यों? हमारी सोच बहुत छोटी है। जैसा आप सोचते हो अल्लाह आपके लिए वैसी प्लानिंग करता है, याद रख ले। आई रिपीट दिस वर्ड, इन फैक्ट दिस स्टेटमेंट, जैसा आपकी सोच होती है अल्लाह सुबहान व तआला वैसे ही प्रोग्रामिंग डिजाइन करता है आप लोग के लिए। आप अगर 30,000 सैलरी के लिए सोचते हो तो अल्लाह सुबहान व तआला वही कंपनी में ले जाएगा आपको और 30,000 ही दिलाएगा। आप अगर जुर्रत करते हैं कि मुझे 3 लाख की सैलरी चाहिए, मुझे 30 लाख की सैलरी चाहिए, तो अल्लाह सुबहान व तआला वहीं लेकर जाएगा। आज कई ऐसे मैथ टीचर्स हैं जो 15,000 इंडिया में, एक मैथ लेक्चरर की अगर बात करूं मैं, 25,000 से 40,000 उसकी एवरेज सैलरी होती है। पूरे भारत के कॉलेजेस का सैर कर ले और एवरेज बनाए। कदीर सर यहां पर बैठे हैं, वो मुझसे बेहतर जानते हैं। एवरेज मौलाना 25,000 से सर उसकी सैलरी 40,000। हैदराबाद में एक लड़का, एक बंदा मैथमेटिक्स पढ़ाता है, 1 CR उसका एनुअल पैकेज है एक साल। अब जो बंदा 40,000 कमा रहा है तो वो साल में कितना कमाएगा? 40,000 अगर वो कमा रहा है तो उसकी साल का पैकेज क्या हुआ है? अरे कोई बोले, एक बंदा तो बोले खड़े होकर। हाँ जी, 4,80,000। कोई एक बंदा ऐसा भी है जो साल में 1 करोड़ कमा रहा है। 4,80,000 कहां, 1 करोड़ कहां? दोनों से जाकर A+B2 का फॉर्मूला पूछिए, दोनों वही बोलेंगे A2+B2+2ab। लेकिन आखिर इसमें है क्या चीज जो 1 करोड़ इंस्टीट्यूट देने के लिए तैयार है? उसके पास में वो थरो नॉलेज है, वो मेथडोलॉजी है, वो चैलेंज करता है कि मैं रिजल्ट इन बच्चों में ले आकर दिखाऊंगा। जिद है उन लोगों में। दूसरों के पास भी वो नॉलेज है लेकिन जिद नहीं है उनमें। जिस बंदों में जिद नहीं होती है, जुनून नहीं होता है, पागलपन नहीं होता है, चैलेंजेस से घबराते हैं, वो जाकर 40,000 में जिंदगी मर जाती है। जो जरूरत करते हैं चैलेंजेस से, पहाड़ों से टकराने के लिए तैयार हो जाते हैं, तूफानों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती है, कोई बाउंड्रीज नहीं होते हैं, वो बहुत आगे निकल जाते हैं अपनी लाइफ में। वो लोगों ने कुर्बानी दी है। मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल की कुर्बानी देना आपने बहुत जरूरी है। आपको मैं मोबाइल से दूर रहने की बात नहीं कर रहा हूं, कम इस्तेमाल करें। आपको हमेशा के लिए छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, हाईली इम्पॉसिबल है, मोबाइल के बिना जिंदगी अधूरी है, आपने यूज करना ही करना है मोबाइल। लेकिन कितना वाइजली आप इस्तेमाल करोगे उस पर डिपेंड करता है कि आपका करियर कैसे होने वाला है। आज हर बंदा बैठकर, पता नहीं, मैं जंगलों से जाया करता था, अभी मैं 50,000 किलोमीटर ट्रैवल किया हूं लास्ट मंथ मोटिवेशनल टॉक्स देने के लिए। ऐसे ऐसे छोटे विलेजेस में रात में 10 बजे, छोटा घर है, सड़क पर बैठकर पता नहीं मोबाइल में क्या देख रहे हैं, रात में 10 बजे भी बच्चे आंख ऐसे लगाकर देखे जा रहे हैं चीजों को, बेकार चीज देख रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। अब वो बंदा कोई टिकटॉक की वीडियो बनाया, अजीब नाच रहे हैं, कर रहे हैं, वो देखकर आपको मजे आ रहे हैं। आप ऐसा काम करो जो दुनिया वाले आपको देखें। आप कब तक दुनिया वालों को देखते रहोगे? आपको भी तो देखना चाहिए ना दुनिया वाले, ये सोचें आप। इस चीज से अगर दूर हो जाए तो आप बहुत वंडर्स कर सकते हैं एकेडमिक्स में। ये मेरा आज का मैसेज है। और दूसरी जो बीमारी है, और वो बीमारी में हर यंगस्टर मुब्तला होना पसंद करता है, हर नौजवान इस बीमारी में मुब्तला होना पसंद करता है, और इस बीमारी का नाम है, मैं बोलते ही आपके चेहरों पर एक अजीब खुशी आ जाती है, उस बीमारी का नाम है इश्क, मोहब्बत, प्यार। अरे देखिए कैसी खुशी आ रही है चेहरों पर, पागल हो जाते हैं। गर्ल्स कॉलेज का तवाफ करने ना जाने कितने बच्चे निकलते हैं, गर्ल्स कॉलेज का तवाफ करते हैं। एक वो तवाफ होता है जो मक्का जाना होता है उम्रे के वक्त में, हज के वक्त में तवाफ करता है बंदा। आज ऐसे नौजवान हैं जो गर्ल्स कॉलेज के तवाफ करते हैं, कुछ भी हासिल नहीं होता है। और उसमें लड़कियां, अच्छे बड़े घराने के लड़कियां, बड़े बड़े घराने के लड़कियां अपनी जिंदगी तबाह कर रही हैं। क्यों? एक लड़के को कॉलेज के पास में गाड़ी चलाते हुए देखे, व्हीलिंग करते हुए देखे, तो उसको सीधा उसका ख्याल जा रहा है, अरे ये तो ऋतिक से कम नहीं है, क्या स्टंट कर रहा है, क्या व्हीलिंग कर रहा है। उस बिचारी को नहीं पता कि वो गाड़ी उस बंदे की नहीं है,
वो जो जीन्स पहना है उसके दोस्त का जीन्स है, टी शर्ट पहना है और एक दोस्त के दोस्त का टी शर्ट है, जो चश्मा लगाया वो और एक किसी दोस्त से ले आया है। यानी हर चीज मंगी हुई है, उसकी खुद की कोई चीज नहीं है। अब वो लड़की क्या तस्वूर की दुनिया में चले गई, ये मेरा ऋतिक, मेरा ऋतिक। अब वो स्टंटिंग करके समहाउ कन्विंस करके उस लड़की से रिश्ता बना लेता है और शादी तक बात आती है। और जब बच्ची पूछती है कि आपके डैडी क्या है, तो माय डैड इज होटेलियर। अब होटेलियर जैसा बोलते लड़की समझती है कोई ताज होटल होगा। बाद में पता चलेगा कि एक झोपड़ी में चाय बेचता है, दिन में 10 भी नहीं बिकते हैं चाय। अब वहां शादी भी हो जाती है, घर जाने के बाद 24 घंटे में 20 घंटे उस लड़के के वालिदैन के मुंह से गाली के अलावा कुछ नहीं निकलता है। इतने गंदे घराने में जाकर वो शादी कर डिप्रेशन में सुसाइड कर लिए कई सारी लड़कियां। इश्क में आकर नौजवान बच्चियां अपने पूरे करियर को तबाह करते हैं। आपने याद रखिए, कितना भी बंदा कैसा भी काला रहे, मैंने ऐसे बहुत से बंदों को देखा, वो बंदे जहां आईएएस क्लियर किए हैं, रंग ब्लैक है, थिक स्किन है, लेकिन यूपीएससी क्रैक किए, अब वहां चांद जैसे गोरे बच्चे आ रहे हैं उसके रिश्तों के लिए। उसने ऐसी मेहनत की है, इकरा का एम्बेसडर बना है, और ऐसे गोरे गोरे बच्चियों के रिश्ते आ रहे हैं, और वो बाप जो है देख रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, नहीं गोरी तो है लेकिन नकटी है, इसको हटा दो, गोरी तो है लेकिन छोटी खत की है, इसको हटा दो, क्यों इसका डिमांड बढ़ गया है। तो इश्क होना ये गलत चीज नहीं है, लेकिन इश्क के लिए अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया। मोहब्बत करने के लिए अल्लाह ने शादी बताया कि शादी कर आप मोहब्बत करें, लेकिन इंसान शादी से पहले मोहब्बत करना शुरू कर देता है, वो नाजायज संबंध जिसको कहते हैं, हराम का रिश्ता होता है। और जो बिगिनिंग हराम के तरीके से शुरू करते हैं, उसका अंजाम भी वैसे ही होने वाला है। कॉलेज की उम्र में आपको इश्क होना चाहिए किताबों से, नॉलेज से, इल्म से, दीवानगी होनी चाहिए, लेकिन आज 10 में 5 नौजवान बच्चे इस बीमारी में मुब्तला है, जो इश्क में अपनी जिंदगी अपने करियर को तबाह कर चुके हैं। हालांकि टैलेंट है उनमें, लेकिन एक लड़के से इश्क हो गया, बस खलास, अब उसको और कुछ नहीं सोचता है जिंदगी में, बस 24 घंटे में। मैं पहले सोचा करता था कि कुछ उलामा हजरात, अल्लाह के बड़े बड़े वली लोग हैं, ये लोग पूरी रात इबादत करते थे, तो मैं सोचता था कि अरे ये तो झूठ बोला जा रहा है, कैसा कोई बंदा पूरी रात इबादत कर सकता है। लेकिन आज के जमाने के नौजवान बच्चों ने वो प्रूफ करके दिखाया है कि व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं ईशा से लेकर फज्र तक चैटिंग करते हैं, और जैसे अजान होती है फोन बंद करते हैं कि अब्बा उठकर डांटेंगे कि ये वक्त क्या कर रही है तू, ये वक्त क्या कर रहा है तू। तब मुझे यकीन हुआ कि वो बंदे जो पूरी रात इबादत करते थे, वो कैसे पॉसिबल था, उन्हें भी इश्क था, लेकिन उन्हें इश्क था अल्लाह से, उन्हें इश्क था इबादत से। और ये नौजवान बच्चों को इश्क है अपोजिट सेक्स से, इसकी वजह से अपना पूरा करियर तबाह कर रहे हैं। इश्क होता है इल्म से, पढ़ाई से। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को सब जानते हैं, यस और नो? ये क्या थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। बट व्हेन ही वाज 12 इयर्स ओल्ड, जब आपकी उम्र 12 साल थी, बाकायदा आपने अपने घर में एक लाइब्रेरी सेटअप किया था। आज अगर मैं 12 साल के बच्चों के घर में आऊं करीमगंज में या बराक वैली के, आपको कोई घर में लाइब्रेरी नहीं दिखेगी। उस जमाने में किताबें आसानी से मैसर नहीं होती थी, लेकिन आपने किताबों का कलेक्शन रखा, लाइब्रेरी बनाया आपने, और आगे मुस्तकबिल में फ्यूचर में जाकर क्या बने? एजुकेशन मिनिस्टर बने। आप अपना बचपन किसके साथ गुजारते हो, कैसे गुजारते हो, वही चीज आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। आप गंदे बच्चों के साथ अपने जवानी को गुजारें, अपनी पूरी जिंदगी आपकी गंदी होने वाली है, बर्बाद होने वाली है। आप अच्छे बच्चों से अपनी जिंदगी गुजारें, अपनी जवानी गुजारें, आपका मुस्तकबिल, आपका करियर, आपका पूरा खानदान अच्छा होने वाला है। यह डिपेंड करता है कि आप टीनेज में किसके साथ वक्त बिताते हो। आप एम्बिशियस बच्चों के साथ बिताते हो तो आपके जिंदगी में भी एक एम्बिशन होगा। आप यूजलेस, एमलेस, होपलेस बच्चों के साथ आपकी जवानी गुजर रही है तो आपकी जिंदगी एमलेस होगी।
आपकी जिंदगी होपलेस होगी, आपकी जिंदगी यूजलेस होगी। याद रखें, ड्रीम्स तो सीने में दफन होंगे होंगे, लेकिन पूरी जिंदगी एमलेस होगी, पूरी जिंदगी आपकी यूजलेस होगी, पूरी जिंदगी आपकी होपलेस होगी। कोई उम्मीद नहीं रख सकते आपसे। क्यों? जवानी में जो दिन जो अल्लाह ने दिया आपको ताकत पढ़ने की समझने की, वो वक्त आपने किताबों के साथ नहीं गुजारा, फोन में गुजारा, फ्रेंड्स के साथ गुजारा, गंदे काम करते हुए आप गुजारे, तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जब कोई चीज करने के लिए ठान लेते हो, याद रखें आपको कुर्बानी देना बहुत जरूरी है। यहाँ बहुत से बंदे, अगर मैं बिरयानी कहूं तो सब लोग को पसंद है अगर मैं पूछूं, लेकिन विराट कोहली से जाकर पूछे कि विराट कोहली के पास पैसे है या नहीं है। बहुत पैसे हैं, हर चीज खा सकता है, लेकिन कितने डाइट पर उसने गोश्त खाना ही छोड़ दिया अभी फिट रहने के लिए। कितना जबरदस्त फिटनेस है उसका, उस बंदे का, क्या क्या नहीं खा सकता है वो बंदा, लेकिन उसे पता है एज लॉन्ग एज ही रिमेन्स फिट ही कैन डू वंडर्स फॉर द नेशन। आज वो फिट है बंदा, फिटनेस की वजह से जाना जाता है, उसकी वजह से वो बेहतरीन ने कैश अभी लिया, उसने दौड़ते हुए पता नहीं कितने मीटर दौड़ा है उसने। वो कह रहा है कि वो जो कैच मैंने पकड़ा है ना, वो मेरी उस वक्त की मेहनत नहीं है, उससे पहले मैंने कई साल मेहनत की है, और वो जो एक सेकंड मैंने तेज दौड़ा है, अगर मैं फिटनेस पे काम नहीं करता तो मैं 3 सेकंड लगाता उसको कैच को लेने के लिए, लेकिन अब मैंने 2 सेकंड में उस कैच को लिया दौड़कर, तो डिफरेंस सिर्फ वो 1 सेकंड का है, लेकिन 1 सेकंड के लिए मुझे बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी, मुझे सुबह जागना पड़ा, ट्रेनिंग करनी पड़ी, मुझे मिठाई से मीठे से दूर रहना पड़ा, मुझे गोश्त से दूर रहना पड़ा, मुझे तेल ऑयली प्रोडक्ट से दूर रहना पड़ा, तब जाकर आज विराट कोहली को सब लोग एडमायर करते हैं, सब लोग क्लैपिंग करते हैं, सब लोग आइडियल मानते हैं, लेकिन उस बेचारे की मेहनत और उसकी कुर्बानियों को तो देखें आप, कितनी मेहनत करके आगे जा रहा है वो। आज आप मेहनत ही नहीं करना चाहते हो, कुर्बानी नहीं देना चाहते हो, तो 2 बड़े बीमारियां मैंने आपको बताएं, ये 2 बड़े बीमारियों से तमाम नौजवान बच्चे बराक वैली के और आसाम के, ये 2 बीमारियों से बचना है। जो पहली बीमारी है मोबाइल एडिक्शन, दूसरी बीमारी है मोहब्बत, इश्क, प्यार, ये पागलपन है। ये अगर वाकई करना है आपको इश्क, तो किताबों से इश्क होना चाहिए आपको, स्किल्स से इश्क होना चाहिए। ये स्किल्स का जमाना है, जिसके पास स्किल्स हैं वो बहुत आगे निकलते हैं। तीसरी जो बीमारी है वो लेजीनेस, जिसको इंग्लिश में इंडोलेंस भी कहते हैं, लेथार्जिक जो बंदे होते हैं, ये लेजीनेस यानी मैं कल से करूंगा। हर बंदे को सोना पसंद है, और बिलखुसूस सुबह जब 5 बजे उसको जागना होता है कॉलेज जाने के लिए, उस वक्त में ख्याल आता है कि और 10 मिनट सो जाती हूँ, और 10 मिनट सो जाता हूँ। वो 10 मिनट कसम खुदा की इतना अच्छा लगता है सोने में उसको, कोई बंदा अलार्म रखकर जागता ही नहीं, और 10 मिनट वो पलंग पर ही लौटते रहता है। ही कीप्स ऑन रोलिंग इन बेड। वो आधा घंटा हो जाता है, वो 1 घंटा हो जाता है, मैं मंडे से मेहनत करूंगा, मैं 1 जनवरी से जिम ज्वाइन करूंगा, उस कमबख्त के जिंदगी में 1 जनवरी कभी नहीं आएगा। अगर जाएगा भी तो वो जिम जाकर वो जिम को 1,000 रुपए देगा, 2 दिन जाएगा, उसके बाद फिर जिम का चेहरा नहीं देखेगा। हर बंदा लेजी है। जो चौथी बीमारी है वो पोस्टपोन करना, टालना, मैं कल से करूंगा, मैं नेक्स्ट वीक से करूंगा, मैं फ्रेश मंडे से मेहनत करूंगा। ये लोग इतिहास कभी नहीं रच सकते अपने जिंदगी में। जो अब डिसीजन लेते हैं, जो आज से करते हैं, जो अब से करते हैं, जो यहां से शुरू करते हैं काम, वही लोग इतिहास रखते हैं। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपने फैसला आज करना है, यही करना है, और अब से मेहनत शुरू करना है आपने। अब आप जाओगे घर में, फिर जाकर सो जाओगे, तो कभी इतिहास नहीं रच सकते आप। राइट फ्रॉम टुडे, आज से मेहनत करना शुरू करना है आपने, कल पर कभी नहीं टालना है आपने। ये चौथी बीमारी है। तीसरी मैंने बताई आपको, लेजीनेस, सुस्त पड़े हुए रहना है। कुर्सी पर बैठ गए तो 3 घंटे से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पलंग पर सो रहे तो 4 घंटे से पलंग पर सोए पड़े हुए हैं, और पोस्टपोन करना कल से, नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंथ से, जनवरी से, ये कभी नहीं कर सकते हैं। जो बंदा रोज मेहनत करता है, जिसकी मेहनत में कंसिस्टेंसी है, जिसके मेहनत में पैशन है, जिसके मेहनत में डिसिप्लिन है, वही लोग आगे जाकर जिंदगी में इतिहास रचते हैं।
तूफान को आपने कभी देखा? आसाम के बंदों ने तो बहुत से तूफानों को देखा होगा। कई तूफान आते हैं और पूरे गांव समेत तबाह कर चले जाते हैं। यस सर नो? जब तूफान आता है तो टावर्स गिर जाते हैं, झाड़ पेड़ गिर जाते हैं, जानवरों की मौत हो जाती है, लेकिन तूफान जरा भी धक्का नहीं दे सकते हैं पहाड़ को, हिला नहीं सकते हैं पहाड़ को। क्या तूफान पहाड़ को हिला सकता है कि एक तूफान आया और पहाड़ को 100 मीटर्स दूर कर दिया? कभी ऐसा सुना आपने? तूफान आकर पेड़ों को गिरा देंगे, टावर्स को गिरा देंगे, बिल्डिंग्स को गिरा देंगे, जानवरों की जिंदगी तबाह कर देंगे, लेकिन पहाड़ को कुछ नहीं कर सकते हैं तूफान। लेकिन याद रखें, पानी के बूंदों में वो ताकत होती है जो चट्टानों से लड़कर अपना रास्ता बना लेते हैं। कब? When the drops of the water have the ability to flow in one direction for a long period of time with great consistency. अगर पानी एक डायरेक्शन में बहता है, लंबे समय तक बहता है और लगातार बहता है, कंसिस्टेंसी है उसमें, तो फिर वो पानी के बूंदों में वो ताकत है जो पहाड़ों को चीर कर अपना रास्ता बना लेते हैं। इसीलिए देखें, आपको अगर मैं पेन और पेपर देकर पहाड़ उतारने को कहूं तो एक वी जरूर आएगा पहाड़ में आपके, आएगा कि नहीं आएगा? वो दरअसल पानी खूब बहकर अपना रास्ता बनाया है। वो पहाड़ जो आज वी शेप में नजर आते हैं आपको, ये वही नतीजा है, पानी खूब बहा है। इसीलिए मेहनत में कंसिस्टेंसी जरूरी है। जो JEE, जो नीट और भी मजीद एंट्रेंस के एग्जाम लिखना चाहते हैं बच्चे, वो मेहनत करते, लेकिन इम्तिहान से 2 महीने पहले 3 महीने पहले वो इतिहास नहीं रचने वाले हैं। आपने 365 डेज मेहनत करना है। नीट वो एग्जाम है, JEE वो एग्जाम है, UPSC वो एग्जाम है, सिविल सर्विसेज वो एग्जाम है जो आपको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल पानी के बूंदों की तरह आपने पूरे 365 डेज आपने मेहनत ही मेहनत करना है, तब जाकर कल आपको ये बड़े ऑफिसर बनेंगे, आपका रिकग्निशन होगा, लोग आपको सल्यूट करेंगे। और जो पांचवी बीमारी है, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये बात रखता हूं कि क्लास में 40 बच्चे अगर हैं तो आपकी दोस्ती 40 बच्चों से नहीं होती है, आपकी दोस्ती सिर्फ 3 से होती है। आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है, आपके क्लोज फ्रेंड कौन है, तो वो 3 नाम आपके जुबान पर होते हैं। आप याद रखें, वही 3 बच्चे या तो आपको आबाद करेंगे या फिर बर्बाद करेंगे। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी जाकर पढ़ लें, दुनिया का बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूशन में जाएं, आप पढ़ाई कर लें, अगर कोई बंदा ये सोचकर बराक वैली से हो जा ही जाता है कि अजमल सुपर 40 में मैं जाऊंगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन वहां जाकर गलत बच्चे के साथ अगर वो दोस्ती कर रहा है जिसका कोई डिजायर नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, बाई फोर्स आया है, वो बाई चॉइस नहीं आया, वालिद के प्रेशर पर आया है, उसमें गंदे आदतें हैं, वो स्मोकिंग करता है, वो ड्रग्स लेता है, उसके साथ आप अगर दोस्ती करते हो तो फिर आप में कितना भी टैलेंट हो, आप पीछे ही रहने वाले हैं। एक जिंदा मिसाल तो मैंने मेरे इदारे में देखा, हैदराबाद में एक लड़का पढ़ने आया, वो लड़का 10th में 98%, 11th में 97%, 12th में 96%, इतना टैलेंटेड। उसके वालिद कह रहे थे कि KG से लेकर, मुझे सुने गौर से, KG से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक मेरा बच्चा कभी सेकंड नहीं आया सर। 12 साल मैंने मेरे बच्चे को देखा है, ये हमेशा टॉप ही किया है, ये स्कूल टॉपर था, ये क्लास टॉपर था। जैसे 12th उसने किया है, हम लोग सोचे इसको डॉक्टर बनाए, तो फिर हम सोचे कि इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग देंगे नीट की, और उसको लेकर गए किधर, एलन में, कहां, कोटा राजस्थान में, लीडिंग इंस्टीट्यूट है आज इंडिया का, वहां लेकर गए, और वहां सिर्फ 3 हफ्ते में वो ऐसे बच्चों से दोस्ती कर लिया, वो ड्रग एडिक्ट हुआ है, एक दिन में 30-30, 40-40 सिगरेट पीने लगा है। नीट में पता नहीं उसको कितने 720 में 70 आए हैं या 200 मार्क्स आए हैं। आप देखें कि वो एक महीने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लिया, और वालिद क्या है, खुशफहमी में है पेरेंट्स कि मैं मेरे बच्चे को बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं। प्यारे बच्चों, बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ने से कोई गारंटी नहीं है आपकी कामयाबी की। कामयाबी की गारंटी अगर है तो वो आपके विल में है, आपके डिसिप्लिन में है, आपके डेडिकेशन में है,
आपके सैक्रिफाइस में है, किसके साथ आप बैठोगे उठोगे उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो तीन जो बंदे आप दोस्ती करोगे वो बंदे एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, डेडिकेटेड होना बहुत जरूरी है, डिटरमिन्ड होना बहुत जरूरी है, गोल ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही बच्चों के साथ दोस्ती कर लें जो मोबाइल एडिक्टेड है, जो ड्रग एडिक्टेड है, जो अजीब अजीब चीजों में अपनी जवानी गुजार रहा है, उसके साथ आप दोस्ती करोगे, आप कितने भी टैलेंटेड बंदे हो, आप स्कूल टॉपर हैं, आप कॉलेज टॉपर हैं, लेकिन फाइनली इवेंचुअली जाकर आप अपने करियर को बर्बाद करोगे। आज भी कह रहा हूं ये गोल्डन टिप है, ये पूरे आज के लेक्चर का एक भी अगर चीज आपको याद रखनी है ना, तो सबसे पहले यही चीज को याद रख लें आप। आपको आबाद करने वाले भी आपके दोस्त हैं, आपको बर्बाद करने वाले भी आपके दोस्त ही हैं, और आपको दोस्त बड़े अजीज लगते हैं, वो दोस्त जो आपको आबाद करते हैं और जो कामयाब होना चाहता है वो किसके साथ उठता बैठता है, वो एम्बिशियस स्टूडेंट्स के साथ उठता बैठता है, उसको अच्छे लगते हैं वो दोस्त। और जो बंदा बर्बाद होना चाहता है वो तलाश कर लेता है, वो गंदी दोस्ती सोबत में अपनी जवानी गुजार लेता है। आप तमाम नौजवान बच्चों से मैं अपील करता हूं, आपको मैं फिर से कहता हूं, आपके पूरे करियर को अगर कोई बर्बाद करने वाले हैं तो वो कौन है, आप ही के फ्रेंड्स हैं। इसीलिए बी चूजी, अच्छे लोग के साथ दोस्ती करें। फिर इंशाल्लाह मैं आऊंगा यहां, कोशिश करूंगा आप यंगस्टर्स को कहीं इकट्ठा करो और दूसरे कुछ टॉपिक्स पर मैं लेक्चर दूं। आप लोग सब बैठे हैं, डिसिप्लिन से मेरी इस लेक्चर को सुने हैं, आप लोग इसे फॉलो करना शुरू करें। आप लोग डेडिकेटेडली अपने दोस्तों से दूर रहें, उन्हीं बच्चों के साथ बस याद रखें। एक लास्ट मैसेज देता हूं मैं, आपने मूवीज में कभी देखा होगा डॉक्टर्स को कहते हुए, 5 मिनट भी अगर आप देरी करते ले आने में इसकी जान जा सकती थी, कभी सुना आपने? 5 मिनट भी अगर देरी होती इसकी जान जोखिम में थी, आपने वक्त पर ले आया इसकी जान बच गई। किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक होता है, तो जो पहला घंटा होता है ना, आधा घंटा बल्कि फर्स्ट हाफ एन आवर हार्ट अटैक के बाद, उसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। कौन सा पीरियड, सब जवाब दें। कार्डियक अरेस्ट जब होता है तो पहला जो आधा घंटा होता है वो गोल्डन पीरियड होता है, उसमें अगर उसको सही ट्रीटमेंट मिलता है तो जान बचने की चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं। अब वो 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे डिले हो जाता है तो फिर रिस्क फैक्टर और बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जो टीनेज में बच्चे हैं ना, 13 से लेकर 19 तक, ये आपके जिंदगी का गोल्डन पीरियड है। ये आप किसके साथ गुजारोगे, उन बच्चों के साथ जिनके डिजायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, एम्बिशन है, तो आपके नेक्स्ट 50 इयर्स बेहतरीन होने वाले हैं। आप 13 से 19 उन बच्चों के साथ गुजारोगे जो रोडिज्म करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, जो इश्क में इन्वॉल्व है, जो मोबाइल एडिक्टेड है, तो आप सिर्फ वही 2 साल जो कॉलेज में गुजार रहे हो वही बर्बाद नहीं कर रहे हो, आप आपके नेक्स्ट 50 इयर्स बर्बाद कर रहे हो। आप क्या आप चाहते हैं कि आपका 50 साल पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए? कोई है यहां खड़ा हाथ ऊपर करके बोले कि मैं चाहता हूं मेरे 50 साल बर्बाद हो जाए? कोई बंदा नहीं बोलेगा। लेकिन याद रखें, जो 10th के बाद में 12th के बाद में जो 3 साल आप ग्रेजुएशन में गुजारते हो, या 10th के बाद में जो 2 साल गुजारते हो, वो 2 क्रिटिकल ईयर्स होते हैं। इसमें ही मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूथ अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। और इसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो अमन थापा की तरह स्टेट रैंक ले आकर इतिहास रचते हैं, कुछ बंदे होते हैं। मैं चाहता हूं, देखिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने अमन थापा को 25 लाख रुपए दिए हैं, बिट्स प्लानी में पढ़ा रहे हैं। और एक भी कोई लड़का था जो बड़ा अच्छा रैंक ले आया था अमन थापा के अलावा, जो हॉस्पिटल में हमने आनर किया था, करण उपाध्याय, खेतों में भी जाकर हम लोग आनर किए हैं। तो ये जब स्कॉलरशिप देने के लिए आते हैं तो ये मजहब नहीं देख रहे हैं, सिर्फ टैलेंट को देख रहे हैं। कैसा, जैसा बिल गेट्स ये नहीं देख रहा है कि ये इंडियन है या अमेरिकन है, टैलेंट है तो इंडियन को लाकर कुर्सी पर बिठा रहा है। तो 25 लाख जब इन्हें स्कॉलरशिप देना है तो ये नहीं देख रहे कि ये मुसलमान है कि ये हिंदू है, उसमें टैलेंट है तो उसको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, आपने एक बड़ा कदम उठाया है। यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट
मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ये दिल से काम नहीं कर रहे, अल्लाह ने उनको चुना है। अल्लाह हैज चोजन मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब कि यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल को अल्लाह बदलना चाहता है, आपको कामयाब करना चाहता है अल्लाह सुबहानहु तआला। तो क्या करता है, कुछ इदारे बनाता है, कुछ बंदों को तैयार करता है और उस बंदे को अच्छे लोगों से जोड़ता है। अब मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को एक एजुकेशनल लीडर बनाकर खसरुल इस्लाम साहब को जोड़ा अल्लाह ने, डॉक्टर आजाद साहब को जोड़ा, खदीर साहब को जोड़ा, अब तो एक नए मोटिवेशनल स्पीकर भी है और बनारस से माशाल्लाह आईपीएस आईएएस बनाने के लिए भी आए। ऐसे लोगों को अल्लाह जोड़ देता है, ये अल्लाह की प्लानिंग होती है। तो आप लोग मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के लिए दुआ करें कि आसाम के लिए अल्लाह सुबहानहु तआला आपको अल्लाह खूब सेहत दें और एजुकेशन में खूब काम लें अल्लाह सुबहानहु तआला। मुझे यकीन है एक दिन आएगा आप सब लोग मुनव्वर जमा की इस बात को याद रखोगे, 1000 सिर्फ अजमल सुपर 40 से बच्चे नीट क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। 1000 बच्चे, वो कहाँ के बच्चे होंगे, वो यहीं के सिलचर के होंगे, करीमगंज के होंगे, बारपेटा के होंगे, गोलपाड़ा के होंगे, धुबरी के होंगे। यहाँ के बच्चों में गजब का टैलेंट है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको एंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है। तो अजमल फाउंडेशन आज तैयार है आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए, आपको एंकरेज करने के लिए। क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी टू डू वंडर्स इन योर लाइफ? आर यू रेडी टू सैक्रीफाइस इन योर लाइफ? सैक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं आप लोग? आप देखें भारत कितना तरक्की कर रहा है, पिछले 20 साल में कितना जबरदस्त आगे निकल रहा है। आप प्राइम मिनिस्टर जी को भी देखें कितने घंटे काम करते हैं। आसान चीज नहीं होता है कोई इतने बड़े ओहदे पर जाकर 15-20 घंटे काम करना। आपने कभी सुना मोदी जी को बीमार होते हुए? बिल्कुल विराट कोहली की तरह फिट है माशाल्लाह। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विराट कोहली एंड अवर प्राइम मिनिस्टर एंड मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब एज वेल, क्योंकि हाँ जी माशाल्लाह। तो आप देखें मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, अल्लाह ने आपको सेहत दी है। इतना अगर मोटापा मुझ में होता तो मैं तो कुर्सी पे बैठा रहता, लेकिन माशाल्लाह पूरा आसाम घूम रहे डिस्पाइट हिज हेल्थ इश्यूज के बावजूद भी आप कितना घूम रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं, ये पैशन है आपका। विराट कोहली है, पीएम मोदी जी है, वो अपने आप को फिट रख के काम कर रहे हैं और वो बेहतरीन तरीका है। लेकिन आप जो है, आपको कुछ डिजीजेस हैं, आप फिट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप 18 घंटे काम कर रहे हैं। वो क्या है? पैशन है, वो फिक्र है। इसलिए कहते हैं कि फिक्र और जिक्र से इंसान को जन्नत मिलती है, फिक्र और जिक्र से इंसान को क्या मिलती है? जन्नत मिलती है। बहरहाल लास्ट मैसेज मैं तो खत्म करने वाला था लेकिन मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने मुझे इशारा किया कि आप हर लेक्चर में वो जो बताते हो एक चीज, वो जरूर करीमगंज के बच्चों को बताइए। ये फिक्री तो है, देखें इतनी देर से बैठे हैं, आप चाहते हैं कि अरे भाई ये स्पीच हो जाए तो मैं दूसरी जगह चला जाऊं। मैं एंड करने वाला था, आपने रोका और बताया कि सर आप वो 50, 100, 150, 200 पे एक लेक्चर देते हो, उस पर जरूर फोकस करें और बच्चों को बताएं। क्या अगर, हाँ जी, सुनना चाहते हैं तो बताऊंगा। आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ जी, लड़कियां दिल से सुनना चाहती हैं या लड़के दिल से सुनना चाहते हैं? मतलब कोई नहीं सुनना चाह रहे, सिर्फ लड़कियां आवाज दें। क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? अब लड़कों का जोश देखें, आपके बराबर रहेगा या ज्यादा रहेगा। लड़कों, विराट कोहली सुनना चाहते हैं? ये देखिए आवाज विराट कोहली तक और अनुष्का तक भी गई है। मैं ये कह रहा था, आप जब मानो कि अभी आप नीट एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो या आईएएस एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो और रोजाना रात में खाना के बाद 9 से आप 12 बजे तक पढ़ाई करते हो। कब से कब तक पढ़ाई करते हो? 9 से 12 तक पढ़ाई करते हो। तो 9 से जो 10 का वक्त होता है उसमें बड़ा जोश होता है, क्यों? दैट इज द बिगिनिंग आवर, वो पहला घंटा है, और वो जोश में कमी होती है दूसरे घंटे में। यानी 10 से 11 बजे जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं
वो जो जोश जुनून वो जो जज्बा है ना, उसकी जो डिग्री है वो कम होते जाएगी। और जब आप 11 से 12 में जाओगे, जो पानी पीते हैं बैठ जाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? सब लोग जोर से बोले मुझे। अब सुने जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं। विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है वनडे मैच 50 ओवर्स का, और वो 48 रन्स पे पहुंचा है, और उसने एक बाउंड्री लगाई, पूरे इंडियन फैंस खड़े हुए क्लैपिंग किए हैं, उसको खुशी होगी कि नहीं होगी? हाँ जी, आप भी क्लैप कर रहे हैं विराट कोहली के लिए, माशाल्लाह। चले, अब वो 98 पर पहुंचा है, और 98 पर उसने एक बाउंड्री लगाने को सोचा, और उसने जबरदस्त बाउंड्री लगाई, तो जितने 1,00,000 स्टेडियम में बंदे बैठे हैं सब खड़े हो जाएंगे क्लैप करने के लिए। अब आपसे मेरा सवाल, उसका जो जोश है वो 48 पर ज्यादा था या 98 पर ज्यादा होता है? आंसर मी प्लीज, 50 बनाने में ज्यादा जोश है या 100 बनाने में ज्यादा जोश? अब आप जो 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 9 to 10 तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन 10 to 11 आपका जोश कम होते जा रहा है। 11 to 12 मैंने तो डेमोन्स्ट्रेशन दिया ना, आपने सारेगामा के आप लोग पता नहीं लता मंगेशकर बन गए, ये आवाजें आ जाती हैं, यानिंग करने लगते हैं, जमाई लेने लगते हैं। अब वही विराट कोहली जिसने सेंचुरी लगाई है और छक्के चौवे लगाकर फिर वो 148 पर पहुंच गया, तो क्या वो थक जाएगा या 150 मारने की इच्छा रखेगा? जोर से बोले नौजवान बच्चों, वो 150 लगाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा, और 150 मारेगा तो पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाएगा। इसी तरह वो 198 पर जाएगा और एक जबरदस्त सिक्स लगाएगा। इंडिया का स्कोर है 444, अगर ये सिक्स लगाता है तो इसकी डबल सेंचुरी हो जाएगी और इंडिया के 450 होंगे, तो उस वक्त में उसका जोश कम होता है या आसमान पर बुलंदियों पर रहता है जोश उसका? बुलंदियों पर रहता है, उसको पता है कि ये इतिहास रचने जा रहा हूं मैं डबल सेंचुरी मारने वाला हूं। मेरे जिंदगी में आज तक मैंने वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी नहीं लगाई, इंडिया ने 450 नहीं किया, इतने दिन मैं इंडिया के लिए खेला, अब ये वक्त आया है, आई गिव माई 100%। और वो जब डबल सेंचुरी लगाएगा और इंडिया के स्कोर को 450 पर लेकर जाएगा, वो थककर ग्राउंड में गिर जाएगा या सब लोगों को बैट दिखाते रहेगा? सब लोगों को बैट दिखाएगा, जोश उसका और बढ़ जाएगा, बिल्कुल जैसा विराट कोहली का जोश 48 से 50 मारने में था, फिर 98 से 100 मारने में था, 148 से 150 में था, और 198 से वो 200 करने में जो जोश था, वही जोश आप जब किताब लेकर बैठते हो ना, आप में वो जोश होना चाहिए, तो फिर आप कल के डॉक्टर हैं, कल के इंजीनियर हैं, कल के मैजिस्ट्रेट हैं, कल के आप डॉक्टर APJ कलाम हैं, कल के आप महात्मा गांधी हैं, कल के आप मौलाना अबुल कलाम आजाद होने वाले हैं इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूं कि यही जोश के साथ आज आप लोग घर जाएं और यहां से अपनी जवानी किताबों में ऐसे ही गुजारें जैसे विराट कोहली बैट लेकर मैदान में गुजारता है। आप अपने कमरे में किताबें लेकर ऐसे जिंदगी गुजारें तो इंशाल्लाह पूरे खानदान का नक्शा बदल जाएगा। सिर्फ आपका घर आबाद नहीं, आप कई घरों को आबाद करने वाले बनेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकअल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके। আমি কইতাম নি যদি ইজাজত দেওতে কইতাম, মাত্র দুইটা কথা কইব। আমি নফেলা আইছি না এই কলেজের মাঝে স্যার, আমরা কিতা কিতা আছে দুই বিল্ডিং আমি দিছি, কম্পিউটার দেওয়া হয়েছে আর ফার্স্ট কম্পিউটার সেন্টার আমরা ওনাও দিছি। আমি এবলা খালি মনোয়ার সাহেবে ফুরিন্দর উপরে বহুত মেহরবানি করছেন, বেশ থেকে বেশ ফুরিন্দর উপরে মাতিছেন, জানি না তান বিধি রে গিলা আমি জানি না, এলে আমি